एपिसोड 4 एपिसोड 3 से कंटिन्यू होती है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, पहले उन्हें देख लें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हमें कमाला और उसकी मोम प्लेन में दिखाए जाते हैं क्योंकि वो कराची जा रहे होते हैं। देन वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और अपनी नानी और कजन से मिलते हैं। देन वो नानी के साथ घर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद कमाला अपने रूम में जाने की बजाय गलती से स्टोर रूम में चले जाती है। फिर उसकी नानी भी वहाँ आती है और अपने डैड के साथ बनाई हुई पिक्चर्स दिखाने लगती है और वो अपनी मोम का स्केच भी दिखाती है। देन कमाला वो बैंगल निकालती है और नानी से पूछती है कि आपने ये मुझे क्यों भेजा, क्या मैं भी तो एक। ये डायलॉग उसकी नानी कम्प्लीट करती और बोलती हैं कि हाँ तुम भी एक जिन हो। उसकी नानी बोलती हैं कि ये जरूरी नहीं है कि मुझे क्या नजर आ रहा है कि तुम एक जिन हो, बल्कि जरूरी बात तो ये है कि जब ये बैंगल आखिरी बार इस्तेमाल हुआ था तो इसने मेरी जान बचाई थी। कमाला बोलती है कि हाँ सितारों ने रास्ता दिखाया था और आप डायरेक्ट अपने फादर के पास चले गई थी। नानी कमाला से बोलती है कि ये बैंगल तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या कहना चाहता है, बस मुझे ये पता है कि ये मालूम करने के लिए तुम्हारा यहाँ पर आना बहुत जरूरी था। कमाला बोलती है कि मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे फिगर आउट करूं। इसके बाद कमाला अपने रूम में सो रही होती है कि उसे ख्वाब में फ्लैशबैक दिखता है जो कि उसके साथ अमेरिका में हुआ होता है। देन उसके कजन उसके पास आते हैं और वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। कमाला अपने कजन से बोलती है कि क्या हम लोग ट्रेन स्टेशन जाएं, क्योंकि ये वही जगह है जब पहली दफा हमारी नानी यहाँ पाकिस्तान आई थी। उसके कजन उसे मना कर देती है, इसीलिए कमाला वहाँ पर खुद ही चले जाती है। वहाँ जाने के बाद एक लड़का कमाला पर अटैक करता है और उन दोनों में फाइट होती है। कमाला को नहीं पता था कि ये लड़का कौन है और मेरे साथ क्यों फाइट कर रहा है। फाइट के दौरान वो लड़का कमाला से बोलते है कि तुम एक क्लैंडेस्टाइन नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास ये बैंगल है, क्या तुम्हें ये आयशा ने दिया है। तो कमाला पूछती है कि तुम आयशा को कैसे जानते हो। इसके बाद कमाला उस लड़के के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ पर वो दोनों एक सीक्रेट रूम में एंटर होते हैं और वो लड़का कमाला को रेड डैगर्स की जगह पर वेलकम करता है। इसके बाद कमाला वलीद से मिलती है जो कि उसे बोलते है कि अगर तुम तैयार हो तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। इसके बाद वलीद कमाला को बताता है कि नो डायमेंशन और हमारी दुनिया एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आती। अगर क्लैंडेस्टाइन ने उस नूर के पर्दे को हटा दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसीलिए ये बैंगल की हिफाजत करना बेहद जरूरी है। वलीद जब बैंगल को देखता है तो वो बोलता है कि मैंने कभी भी इस बैंगल पर लिखे हुए सेंटेंस के बारे में नहीं सुना। कमाला बोलती है कि क्या आप इसे पढ़ सकते हैं, तो वो उसे पढ़ने लगते हैं और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी मंजिल तुम्हें ढूंढ रही है। कमाला बोलती है कि क्या ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, तो वो बोलती है कि पता नहीं शायद किसी और के लिए होगा। देन हमें डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल सुपर मैक्स प्रिजन दिखाई जाती है जहाँ पर पुलिस क्लैंडेस्टाइन्स के ग्रुप को लेकर जा रही होती है, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन वो लोग कामरान को वहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि कामरान ने कमाला की वजह से अपने ही ग्रुप से फाइट की थी। देन कमाला अपनी नानी के पास जाती है कि उसे एक टेक्स्ट आता है, तो उसकी नानी बोलती है कि तुम जाओ मैं तुम्हारी मोम मुनीबा को संभाल लूंगी। इसके बाद कमाला रेड डैगर्स के साथ बोनफायर करती है। दूसरी तरफ कमाला की मोम और नानी दिखाई जाती है। मुनीबा अपनी मोम से बोलती है कि अब वक्त आ गया है कि आप हमारे साथ अमेरिका चलकर रहें। सना बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे दूर रहने के लिए वहाँ गई थी। तो मुनीबा बोलती है कि मैं थक चुकी थी आपकी ख्याली दुनिया और ख्याली बातों से, और मुझे ये ख्याली बातें नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे तो अपनी माँ चाहिए थी। देन कमाला रेड डैगर्स के पास होती है और पावर्स यूज कर रही होती है कि वलीद उसे बताता है कि तुम्हारी इंसानियत की वजह से ये तुम्हें इस दुनिया से जोड़ता है। वो बात ही कर रही होती है कि क्लैंडेस्टाइन्स उन पर अटैक कर देती हैं, उनमें फाइट होती है और तभी वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और हमें काफी फनी चेस सीन देखने को मिलता है। इसके बाद वलीद उन दोनों से सेपरेट हो जाता है और रेड डैगर से बोलते हैं कि तुम इसे किसी महफूज जगह पर ले जाओ। क्लैंडेस्टाइन्स उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। वलीद उन दोनों को बचाता है, लेकिन नजमा वलीद पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वलीद वहीं पर मर जाता है। देन वो दोनों क्लोथ डाइंग जगह पर पहुंचती हैं और वहां पर भी उनकी फाइट होती है, लेकिन क्रीम यानी रेड डैगर उन क्लैंडेस्टाइन्स में से एक को मार देता है। नजमा कमाला पर अटैक करती है, बट कमाला अपने बैंगल से खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है जिसकी वजह से वो नाइफ बैंगल पर लग जाती है और कमाला उसकी वजह से पार्टीशन के टाइम में चले जाती है और वो ट्रेन स्टेशन का सीन देखती है। और ये सीन तब का सीन होता है जब कमाला की नानी अपने डैड और मोम के साथ पाकिस्तान आ रही होती हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। सो गुड बाय अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।